नाउ वी आर गोइंग टू प्ले ग्राउंड। मैं और राजेंद्र मर्दी एक साथ जा रहे हैं ग्राउंड पे। ग्राउंड में सब लोग खेल रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह के गेम खेल रहे हैं। अभी सनसेट होने वाली है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कि डेली यहाँ पे आके ये सनसेट देख पाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मेरे पीछे हैं बच्चे लोग जो कि अलग अलग तरह के गेम खेल रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगा, आप लोग सब गेम का मज़ा लीजिए। और यहाँ से स्टार्ट होता है अब। स्कूल ख़त्म करके मैं जस्ट अभी निकला हूँ। आज मेरे बहुत सारे क्लासेस थे, मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिला। और आज मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने प्रोफेसर से मिलना है। मैं अपनी एमएससी की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा हूँ टीचिंग के साथ साथ, नोट्स के सिलसिले में मुझे जाना होगा प्रोफेसर से मिलने। स्कूल से मेरा घर ऑलमोस्ट 3 आवर और 3.5 आवर डिस्टेंस है। यहाँ से मैं टोटो से पहले उमरपुर जाऊँगा, उमरपुर से बस लेके फरक्का, फरक्का में मेरे दोस्त लोग आएंगे बाइक लेके, वहाँ से मैं सीधा घर, घर से फिर मैं प्रोफेसर से मिलने जाऊँ। आई जस्ट रिच्ड होम एंड घर के बाहर का नज़ारा ये है सनसेट, जो कि मुझे बहुत ही खास है। और लेफ्ट साइड में है रेल लाइन जो कि ओनली फॉर कोल, जो कि 3 पहाड़ से लेके फरक्का तक जाती है।
तीन कोल माइन से रेल लाइन है और ये फरक्का तक कोल को लेके जाती है। नाउ आई एम गोइंग टू मीट विथ माई प्रोफेसर, MSc के HOD है, उनसे मिलने जा रहा हूँ नोट्स के सिलसिले में। देखते हैं कितना पैसा मांगते हैं। ऐसा लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नोट्स के लिए कोई सा पैसा नहीं होना चाहिए, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स लेने के लिए तो कुछ तो पैसा देना पड़ेगा उनको। देखा जाए क्या होता है। अभी प्रोफेसर से मिल के आ रहा हूँ, उन्होंने 4000 देने को कहा है नोट्स लेने के लिए, तो अभी तो 4000 देना ही पड़ेगा क्योंकि नोट्स लेना ही है मुझे। लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सिर्फ नोट्स लेने के लिए आपको 4000 देना पड़े। खैर चलते हैं अब अपने घर, रात हो चुकी है, चलिए गुड नाइट। I would never wait for something to let it go to waste. With everything at stake, I did, I would take it all back.